Dear students, after looking into conditions, let's see how we can use loops in lid. Loops almost jitni bhi hamare paas programming languages mein exist karti hain, for hai, while hai, hamare paas for each hai, all of these loops are supported by blade. और उनको हम लोग जिस तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं उसी तरीके से हम लोग ब्लेड में भी यूज़ कर सकते हैं. सो लेट्स हैव अ लुक एट अ फ्यू एग्जांपल्स फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ वी कैन यूज लूप. लेट्स पास सम एरे फ्रॉम द राउट टू द अबाउट व्यू. तो उसके अंदर हम लोग एक एरे पास कर लेते हैं. लेट्स हम लोग ये डेटा पास कर रहे हैं, एज पास कर रहे हैं और फिर हम लोग एक एरे भी पास कर देते हैं और उसको हम लोग नाम रख लेते हैं लैंग्वेजेस. लैंग्वेजेस हमारे पास एक एरे है, उसके अंदर हम लोग पीएचपी जावास्क्रिप्ट सी प्लस प्लस जावा शॉप. लेट्स से ये अब हमारे पास एक एरे है जो हम लोग अबाउट को पास कर रहे हैं. इस एरे को हम लोग डिस्प्ले करके देख लेते हैं. लेट्स हम लोग शुरू में इसको ले जाते हैं. ट्री के थ्रू हम लोग जस्ट डीबगिंग पर्पसेस के लिए हम लोग इसको देख लेते हैं कि हमारे पास एरे पास हुई है या नहीं. तो हम लोग यहाँ पे प्रिंट अंडरस्कोर आर और फिर लैंग्वेजेस हमारे पास एरे का नाम था वो हम लोग पास करके देख लेते हैं. लेट्स रिफ्रेश दिस पेज. तो हमारे पास ये जो एरे है वो हमारे पास यहाँ पे रिसीव हो गई है. ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस एरे को मुख्तलिफ लूप्स के अंदर यूज करके टेस्ट करते हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट लूप जो हमारे पास फॉर लूप, जिससे हम लोग अमूमन प्रोग्रामिंग के अंदर फर्स्ट लूप है वो हम लोग इसी को यूज करते हैं फॉर. अब इसका सिंटैक्स उसी तरह है जिस तरह हमारे पास पीएचपी या दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर होता है. हम लोग आई इज इक्वल टू ज़ीरो टू आई इज लेस देन. अब हम लोगों ने देखना है कि इस एरे का साइज़ क्या है, उसके लिए हम लोग काउंट का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं. काउंट और आगे हमारे पास लैंग्वेजेस है एरे का नाम और आई प्लस प्लस. ठीक है, और फिर इस लूप को ख़त्म किस तरह करेंगे, एंड फॉर है. ब्लेड के अंदर आप ब्लॉक्स के लिए कर्ली ब्रैकेट्स नहीं यूज़ करेंगे, ब्लॉक्स के लिए जो है वो आप ये सिंबल ऐड का सिंबल ही यूज़ करेंगे. तो अब यहाँ पे हम लोग लेट्स से इससे पहले हम लोग लिख देते हैं कि ये फॉर लूप है, ये हमारे पास एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा और फिर इस फॉर लूप के अंदर जो डाटा है वो हम लोग डिस्प्ले कर देते हैं. अब डाटा डिस्प्ले करना हमारे लिए बहुत आसान है. वी नो कि हम लोग डबल कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे, जो भी वेरिएबल का नाम लिखेंगे वो एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा. तो हमारे पास लैंग्वेजेस डॉलर आई राइट, और फिर हर वैल्यू के बाद हम लोग एक बी आर या एक स्पेस जो है वो हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं. तो लेट्स सी हाउ डज इट अपीयर. ओके, इट सेज दैट अनडिफाइंड कांस्टेंट आई. तो आपने फिगर आउट कर लिया होगा कि एरर किस वजह से है. यहाँ पे हम लोगों ने आई के साथ यहाँ पे तो डॉलर साइन यूज़ किया है, यहाँ पे हम लोगों ने डॉलर साइन नहीं यूज़ किया. तो इन पीएचपी वी हैव टू यूज़ डॉलर साइन विद द वेरिएबल नेम्स. रिफ्रेश इट. तो अब देखें फॉर लूप के थ्रू हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो डिस्प्ले हो गई. अब यही काम हम लोग जो है वो फॉर ईच के थ्रू भी कर सकते हैं. एंड यू नो के जो फॉर ईच है वो हमारे पास स्पेसिफिकली एरेज के लिए यूज़ होती है या आइट्रेटेबल ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होती है. तो हम लोग फॉर ईच को यूज़ करते हैं. इसका सिंटैक्स हमारे पास सिंपल सा है, फॉर ईच, और बीच का जो एक्सप्रेशन है वो उसी तरह होगा जैसे हम लोग जावा में देते हैं कि हम लोग पहले एरे का नाम लिखते हैं लैंग्वेजेस और फिर हम लोगों ने हर आइट्रेशन के अंदर एक जो वैल्यू उसकी लेनी होती है वो हम उसके लिए एक नया वेरिएबल यूज़ कर लेते हैं. लेट्स से लैंग्वेज हम लोग यूज़ कर लेते हैं और फिर अब आपने गेस कर लिया होगा कि इसे हम लोग क्लोज जो है वो एंड फॉर ईच से करेंगे और यहाँ पे अब हम लोग सिर्फ जो वेरिएबल है लैंग्वेज का उसको यूज़ करेंगे. तो फर्स्ट आइट्रेशन में हमें लैंग्वेज ज़ीरो वैल्यू वाली वैल्यू मिल जाएगी, सेकेंड आइट्रेशन में लैंग्वेज वन वाली एंड सो ऑन. अब आप देखें फॉर ईच के थ्रू हम लोगों ने तमाम वैल्यूज़ हैं वो डिस्प्ले कर ली. और इसी तरह हम लोग जो है वो व्हाइल लूप भी यूज़ कर सकते हैं. व्हाइल लूप भी आपने गेस कर लिया होगा, ऐड के बाद हम लोग व्हाइल लिखेंगे. यहाँ पे हमारे पास कंडीशन होगी. अब
हमारे पास एक फंक्शन होता है एरे अंडरस्कोर पॉप का, जो हम लोगों ने एरे के अंदर कवर भी किया था आई गेस। उसके वो फंक्शन क्या करता है कि एक वैल्यू रिटर्न कर देता है और उसे एरे में से रिमूव कर देता है। तो हम लोग यहाँ पे ये लिख देते हैं कि लैंग्वेज इज इक्वल टू एरे अंडरस्कोर पॉप, और यहाँ पे लैंग्वेजेस लिख देते हैं। तो वन बाय वन इसमें से एक एलिमेंट रिमूव होगा एरे में से, वो लैंग्वेज में आ जाएगा, उसे हम लोग व्हाइल लूप में यूज़ कर लेंगे। और आपने फिगर आउट कर लिया होगा एंड व्हाइल से हम लोग इसको क्लोज करेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे लैंग्वेज। लेकिन इस लूप के एंड पे क्या होगा कि हमारे पास ये एरे जो ये एम्प्टी हो जाएगी। तो इसका आपने ख्याल रखना है कि इसे आप सिर्फ उस वक्त यूज़ करेंगे व्हेन यू वांट द एरे टू बी एम्प्टी। इसके बाद आप एरे को दोबारा यूज़ नहीं कर सकेंगे, इसकी वैल्यूज़ को दोबारा यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो वैल्यूज़ एक मतलब तो डिस्प्ले हो गई हमारे पास सारी, लेकिन अब जो है वो इस एरे को अगर हम लोग डिस्प्ले करेंगे तो वो हमारे पास एम्प्टी एरे होगी। और एट टाइम्स इस तरह भी होता है कि आप आइट्रेट करना चाहते हैं एक कलेक्शन पे, और आप चाहते हैं अगर वो कलेक्शन एम्प्टी हो तो फिर आपके पास कोई और एक्शन जो है वो परफॉर्म हो जाए। तो उसके लिए आपके पास ब्लेड के अंदर जो है वो फॉर एल्स की आपके पास ऑप्शन है। इट इज़ नॉट अवेलेबल इन पीएचपी, लेकिन ब्लेड का अपना सिंटैक्स है फॉर एल्स। फॉर एल्स, फॉर एल्स के अंदर जो है वो हम लोग इसको यूज़ इस तरीके से करेंगे कि जिस तरह फॉर ईच को यूज़ करते हैं, जिस तरह हमारे पास डाटा एस डी है या वैल्यू या लैंग्वेज आप इसे कुछ कह सकते हैं, और फिर एंड फॉर एल्स इसे क्लोज करेंगे, और बीच में हम लोग यहाँ पे एम्प्टी का डायरेक्टिव यूज़ कर सकते हैं एम्प्टी। तो अगर एम्प्टी हो तो हमारे पास क्या मैसेज डिस्प्ले हो जाए, नो एलिमेंट लेफ्ट, राइट। और अगर हमारे पास उसके अंदर कोई वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं एरे के अंदर लेट्स से, तो फिर हम लोग क्या करेंगे उसको डिस्प्ले कर देंगे। सॉरी, वी डोंट हैव डाटा, वी हैव लैंग्वेजेस। डाटा तो हमारे पास एक स्ट्रिंग था, लैंग्वेजेस एज लैंग्वेज, जिस हम लोगों ने फॉर ईच में किया था, राइट। तो अब हम लोग अगर इसको रिफ्रेश करते हैं, वी गॉट एन एरर, गिवन नल। तो वही कह रहा है कि आपके पास फॉर ईच के अंदर आपके पास आर्गुमेंट होना चाहिए, और हमारे पास ये जो लैंग्वेज है, सॉरी ये लैंग्वेज लिख दिया, यहाँ पे एरे का नाम होना चाहिए था, लैंग्वेजेस होना चाहिए था। तो दोबारा रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखें कि आपके पास फॉर एल्स के अंदर मैसेज लिखा हुआ गया नो एलिमेंट इन द एरे। क्यों? क्योंकि हमारे पास व्हाइल लूप के अंदर वो एरे एम्प्टी हो चुकी थी। और अगर हम लोग इस फॉर एल्स को उठा के लेट से व्हाइल से पहले ले जाते हैं, व्हाइल के अंदर हम लोगों ने एरे को एम्प्टी किया था, इसे व्हाइल से पहले ले जाते हैं और इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखें फॉर एल्स के अंदर क्या हुआ कि ओके वी जस्ट पुट लैंग्वेज, इसे हम लोगों ने डबल करली ब्रैकेट्स में नहीं लिखा, वी हैव टू पुट इट इन डबल करली ब्रैकेट्स टू गेट इट्स वैल्यू। हम लोग रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखें इसके अंदर हमारे पास इसने उसी तरीके से काम किया जिस तरह फॉर ईच ने किया था। और जब हमारे पास ये एरे एम्प्टी थी तो फिर हमारे पास क्या डिस्प्ले हो रहा था, फिर हमारे पास जो है वो मैसेज डिस्प्ले हो रहा था कि एरे इज़ एम्प्टी। तो इसको अगर हम लोग फॉर एल्स को दोबारा रिपीट करते हैं व्हाइल के अंदर, और व्हाइल के अंदर हम लोग एरे को एम्प्टी कर रहे हैं, तो फिर हमारे पास ये जो एम्प्टी में जो मैसेज है वो डिस्प्ले होना चाहिए, नो एलिमेंट इन द एरे। तो व्हाइल लूप के अंदर हमारे पास एरे एम्प्टी होगी, और फिर फॉर एल्स के अंदर जो एम्प्टी वाला मैसेज था वो हमारे पास डिस्प्ले हो गया। तो आई होप यू हैव लर्न्ड हाउ टू यूज़ आइटरेटिव स्टेटमेंट्स इन ब्लेड। और यहाँ पे मैं आपसे कहूँगा कि आप लोग अभी इस मॉड्यूल को पॉज करें, और फिर उसके बाद आप इन सारी चीज़ों के, अभी तक हम लोगों ने जितनी कंडीशंस और लूप्स और वेरिएबल्स को हम लोगों ने स्टडी कर लिया, उसकी आप प्रैक्टिस करें। साथ साथ अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ आपके जहन में भी रहेगी, और फिर जब आप डेवलपर की जॉब करेंगे या आप किसी वेबसाइट को डेवलप करना चाहेंगे तो आपके पास ये स्किल्स जो आपने कॉन्सेप्ट जो आपने यहाँ पे सीखे हैं वहाँ पे आप इजीली यूज़ कर सकेंगे।